67 साल की उम्र हो रही, इतना झूठ बोलनिया प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। देखा नहीं? नहीं देखा। झूठ क्या बोले? अच्छा ये बदल गया। सुनो सुनो मैं क्या, मेरी तो सोच, मैं तो मोदी के साथ हूँ, मैं तो मोदी के फैन है। अच्छा मोदी जी के साथ। मगर जो सर्वे आंकड़े कह रहे हैं, मैं कुछ कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के पास कुछ लीडर नहीं। अच्छा उस तरफ भाई एक युवा भी खड़े हैं भाई साहब, सबसे बड़ा समर्थक होया करता, आज ही बीजेपी के कह रहे हैं कि इतने चार दिन नून बैठ लिया है, नून के कहान लग गया, मिनट में पलट जाए। काम ना नहीं हो करया कर दे, काम का जब एक गलत आदमी है तो गलत कह आ जाएगा, सब हो हर के मोतल करेगा। सही बात है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं एनडी हरियाणा पर। फिलहाल मैं मछरौली गांव में आया हूं, और ये गांव इसलिए अहम हो जाए क्योंकि यहां से जो है विधायक रहे हैं पिछले साल मतलब विधायक रहे हैं। कौन सी साल में रहे जी पिछले प्लान में? आज़ाद उम्मीदवार रहे हैं यहाँ से रविंद्र मछरौली। तो उन्हीं के गाँव में हम पहुँचे हैं, बातचीत करेंगे आखिरकार यहाँ पर क्या माहौल नज़र आ रहा है। लेकिन बात यह है भाई, आज़ाद उम्मीदवार थे, मैं आज़ाद जो है ना चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी कई बार जो है खट्टर साहब के साथ ही मीटिंग हुई है, काफ़ी बार बैठे हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे आगे लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। राम राम जी। पहले तो राम राम जी। राम और ठीक हो जी? बस क्लास साफ सुनो। हाँ बढ़िया जी। अच्छा आप तो विधायक ही हो गए सारे गाँव के तो। हाँ जी। हाँ अच्छा क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है भाई? माहौल तो देश को ये देखने, देश किस तरफ जा रहा है। अच्छा जी। हाँ हमने ये देखने आज़ाद उम्मीदवार कौन है, कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, हमें देश किस तरफ जा रहा है उस कैंडिडेट को देखना, देश को बचाएगा या देश को डुबोएगा। अच्छा जी। हाँ। कौन बचा सकता है फिर देश को? कौन बचा देगा? ईमानदारी बचाओगा, बेईमान ठग से हम दूर हैं। अच्छा जी। हाँ फिर आप मतलब महसूस कर लिया आपने कि कोई कर लिया हमने, बेईमान कौन है, ठग कौन है? ठग कौन है? अच्छा अच्छा। खट्टर साहब ईमानदार आदमी है। अच्छा जी। हाँ जी पक्की बात है? पक्की। लेकिन मैं सर्वे कर रहा था कि काफी नु अभी कुछ काम नहीं करवाए खट्टर ने तो, वैसे बगैर खर्ची बगैर पर्ची के नौकरियां लगी हैं, गरीब के बच्चे को रोजगार मिला है, जो जेब काटने वाले थे, जेब काटने वाले अपने घर पे बैठे रह गए। देखो खट्टर ना करता दी है नौकरी। नहीं आप बोलो पहले, उनकी बात ले आऊंगा मैं, उनसे बात कहूंगा। जो आपकी अच्छा पढ़ा है, पढ़ के नौकरी लगा उसको, विदाउट खर्ची पर्ची के नौकरी लगी है। पक्की बात है? आपके गांव से लगे हैं? मेरे गांव से लगे हैं। अच्छा कितने लगे? कई बच्चे लगे हैं। अच्छा जी। मेरे परिवार से लगे हैं। मेरे परिवार से लगे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। बिना खर्ची वर्ची बिना कोई रिश्ता भी नहीं, अगले रोटी के लाले पड़ रहे थे चंडीगढ़ में बैठा, नौकरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा नौकरी कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। क्या बात। अच्छा ये फर्क रहने वाला है खट्टर साहब ने ईमानदारी के साथ नौकरी। हाँ ईमानदारी के साथ काम किया सरकार ने। लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान हिंदुस्तान के सर्वे सुनो सुनो हिंदुस्तान के सर्वे सर्वा है मोदी जी। मोदी जी ने देश को एक अलग दिशा दिखाई है। अच्छा जी। हाँ मोदी जी सही है? मोदी एक नंबर। क्या कह रहे जी आप? बकवास कर रहे हैं। ये है मोदी सब तीर था लगाई उसने बकवास कर रहा ना, के कर दिया मोदी ना, आप खुल का बोलो, कुछ नहीं कर रहा खट्टर ना। क्यों कह रहे मोदी जी ना कुछ नहीं कर रहा, वो बोल रहे हैं देश डबो दिया इनने, झूठी और सच्ची बनाना रहना ना इनने डबो दिया देश। अच्छा ये जो से बोल रहे हैं? ये जो से बोल रहे हैं? नहीं ये कर रहे हैं खट्टर ना नु कर दिया। अरे खट्टर ना कर रहे जो एक आदमी है ना सदा लग दे आए, कोई तले कोई पीछा ऊपर कोई तले को देख ऐसे देख लगे ना बहुत लगा है। अच्छा अच्छा। मेरी लड़की लगी बी ए वो करके कभी डीसी ऑफिस में नंबर एक उससे। अच्छा जी। पढ़ाई के हिसाब से? पढ़ाई के हिसाब से। पढ़ाई से कल जीवन उसका जो करना। फिर जब नौकरी लगी फिर तो खट्टर साहब सरकार सही थी ना, बढ़िया थी ना भाई? ये स्कीम कर रखी थी सरकार ने। अच्छा। अगर भाई पहले पेपर दो, वो पेपर दे के आगे वो कर सके सीईटी का। हाँ कोई और नहीं भर सकता, अगर ऊपर गुरु आकर के कोई नहीं भर सकता, वो पेपर पास कर करके सरकार ने स्कीम करी थी, पहले पेपर पास करो और फिर। लेकिन वो भी तो सरकारी तो है वो, खट्टर साहब भी खट्टर सरकारी तो है वो, पर मंत्री तो वही हैं, मुख्यमंत्री तो वही थे अभी साल से, तो वही काम कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी कैसे हैं फिर? मोदी नंबर एक बकवास। बकवास? ये देखो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। नंबर एक बकवास, ना गरीब आदमी को इतना गरीब इतना नीचे ले दिया, अब वह जिंदगी में ऊपर नहीं सकते। कह रहे भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री आया नहीं आज तक, बकवास कर रहे हैं सर। देश विदेश में चर्चा होगी। हाँ बस वो भोकन का है ना, झूठ झूठ बोलने वाला। हमारे देश में ना मेरी 67 साल की उम्र हो रही, इतना झूठ बोलनिया प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। देखा नहीं? नहीं देखा। झूठ क्या बोले उन्होंने? बकवास कर रहे
फलाने के खत्ते मनु कर दूंगा, फलाने के झगड़े मनु कर दूंगा, अनु कर दूंगा, एक यो अन दे रहा है बस आप उनको, बस उसमें खुश हो रही पब्लिक। ईवीए सरकार कह रही है भी जो उड्डा ना तो जो है 4 तारीख के बाद उड्डा तो दिखेगा नहीं कांग्रेस का, जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाँ। या बीजेपी नु कह रही है कि 4 तारीख के बाद जो रिजल्ट आने उसके बाद दिखेगा नहीं, गायब हो जाएगा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह। क्यों करेगा, राज करेगा, राज करेगा, राज हरियाणा में राज करेगा, कह रहे हैं कि बीजेपी तो चाह तो मुख्यमंत्री हुड्डा होगा, नु कह रहे हैं कि इसको तो भेज देंगे गायब कर देंगे, हाँ कर देंगे घर का राज है, गेरा क्यों नहीं पीतरे ना मोदी ने बतरे अंगे लाए, अच्छा हाँ बहुत अंगे लाए ना, गेरा क्यों नहीं पीतरी हो, इतना कच्चा आदमी सोचता था, अच्छा गेट दिया केजरीवाल, इतना महान आदमी, इतनी पब्लिक को उबारा दे रखा उसने, अंदर गेट दिया इलेक्शन के चक्कर में, तो केजरीवाल बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, अच्छा ये कह रहे हैं केजरीवाल गलत गे रहा अंदर, क्या कुछ कहोगे भैया, अपनी पॉलिसियाँ हैं इनके विचार थे व्यक्त किए ने, अगर जो घोटाला करेगा घोटालेबाज को तो अंदर जाना ही पड़ेगा, चाहे मोदी घोटाला करे मोदी भी जाओगे अंदर ही जाएगा, खट्टर कर रहेगा तो खट्टर में जाएगा, जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसको जेल में जाने का अधिकार है ना, ये नवाब सिंह हरियाणा का मुख्यमंत्री एमपी होते है, एक एमएलए मुख्यमंत्री बन सकता है, एमएलए बन सकता है, और एमपी को एमएलए बना दिया, कोई मोदी का वो है, चुनाव लड़ेंगे ना यहाँ से करनाल से, लड़ेगा ना, घोषित तो नहीं करना था ना उसने, कोर्ट ने भी फैल कर दिया, और इसने अपने दबर बुटे पे आगे को मुख्यमंत्री बना दिया नवाब सिंह। अच्छा दुष्यंत चौटाला भी मार्केट में आ रहे हैं, नंबर एक फ्रॉड आदमी है, फ्रॉड है क्यों, बकवासी है, एक शराब एक महान आदमी देवीलाल होगा इस खानदान में, अच्छा महान आदमी, उसका उसकी तो कुछ तक कुछ कह लो नहीं तो, हाँ दुष्यंत चौटाला क्या है, मेरे में देवीलाल की छवि है, मूत भी कोई ना कटेगा कटेगा देवीलाल है, देवीलाल की छवि है मेरे में, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं, हाँ कुछ नहीं उसमें तो अंधा थोड़ा लुकाइया पेटोल झड़सा करके दिखा दो जींद में, इतना मर्द हो ना जींद में झड़सा करके दिखा दो, उन्हें वीरन चरण कर रखा, अच्छा जी और मतलब डर रहा कहीं ना कहीं, वैसे तो विरोध हो रहा भाई उनका लगातार, और दुष्यंत अच्छा बीजेपी के साथ चले गलत है, हाँ गलत है उसमें बीजेपी के साथ चले गए, अच्छा बीजेपी से नाराज है गाँव के लोग, क्या गाँव में क्या चर्चा चल रही है कुछ पता है, ऐसा जी किसान का जो रुख है वो कुछ कांग्रेस की तरफ जा रहा है, अच्छा बदल गया, सुनो सुनो मैं क्या मेरी तो सोच, मैं तो मोदी के साथ हूँ, हम तो मोदी के फैन है, अच्छा मोदी जी के साथ, मगर जो सर्वे आंकड़े कह रहे हैं मैं कुछ कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं, अच्छा कोई ऐसा लीडर नहीं ना टॉप का, कोई कोई प्रदेश को चला लेगा, एक उड्डा अकेला उड्डा थोड़ा चलाऊगा, अच्छा अच्छा भाई कैंडिडेट भी चाहिए, दमदार कैंडिडेट है नहीं कोई, तो कितनी लाग है बीजेपी की, कितनी सीट आ जाएगी बीजेपी, 17 सीट आओगे, पूरे इंडिया में 10 की 10 सीट है फिलहाल एमपी की, एमपी की बीजेपी की गिनी मिनी सीट है, हम तो 10 की 10 ले मशीना के घोटाले को, अच्छा मशीनों के घोटाले को, अच्छा। एक बात बताओ हमारे गाँव में 10-20 हजार आदमी आते हैं यूपी से, अच्छा जी कोई टंगर भाई कोई कपड़ा बेचे कोई कुछ करे, हाँ। वो हर एक आदमी ने कहा हमने मोदी की वोट नहीं, मोदी कैसे बन गया, हाँ। अच्छा मोदी की वोट नहीं दी हमने, मोदी कैसे बन गया, हमारे गाँव में आदमी 100-200 यूपी का हर एक आवा है, अच्छा कोई टंगर खरीद हमने वोट दी नहीं, हमने वोट नहीं दी मशीना का, वे मुसलमान आंदे होंगे ना मुसलमान तो वोट देना ही बीजेपी दे, हिंदुओं हिंदू भी नाटे हैं, अच्छा हाँ ये बात है भाई, तो देखो यहाँ पे कुल मिलाकर, अच्छा कौन मुख्यमंत्री देखना चाहो, किसने देखना चाहो, बुड्ढा उड्डा ना देखना चाहो, या फिर दुष्यंत चौटाला ना, या फिर दुष्यंत का तो नाम खत्म है, उड्डा ना उड्डा पर रजू है मतलब, हाँ जी है जी उड्डा का ही है, अच्छा उड्डा का राज देखे आपने कैसा था पहले 2014 बहुत बढ़िया था, बढ़िया था, तो भाई देखो यहाँ पे है ना लगातार जो कह रहे हैं कि भी उड्डा जो है मुख्यमंत्री होने चाहिए, और उससे पहले अच्छा आपसे एक बात और करना चाहेंगे हम, ये इतना बड़ा कितनी वोट है अपने गाँव में इसमें 3,3200 अच्छा कह रहे हैं कि 2014 से पहले उड्डा का राज बढ़िया था, अब कह रहे हैं कि भी जो है कुछ नहीं है ना रोजगार मिले महंगाई होगी, क्या कुछ फर्क था उड्डा के राज में, किसानों को फायदा था उसमें, किसान को फायदा था, अच्छा फायदा था उस उड्डा के राज में
जी आप सारी बात उड्डा के क्या नहीं कह रहे फिर बीजेपी के फैन हो? सुनो तो, हम मोदी के फैन है। अच्छा, हम उड्डा राज राज तो सरकार बदलेंगी तो सरकार में आम आदमी का फायदा तो सरकार बदलेगी। अच्छा, मोदी जी के फैन क्यों आप ये बताओ? बस उसके उन्हें देश को इतनी ऊंचाई पे ले जा दिया, मैं पूछो ना क्या मतलब बताओ? बहुत कुछ बहुत कुछ। अच्छा, आर्मी सेक्टर से ले लो, प्राइवेट सेक्टर से ले लो, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, हर तरफ से तरक्की है। रेलवे कह रहे बेक दी रेलवे, तो बेक किसने कहा बेच दी? प्राइवेट लीज पे दे दी अंबानी अडानी को, किसी को भी नहीं दी। कौन कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नहीं कौन कह रहा है? टिकट रेलवे स्टेशन पे जाते टिकट सरकार की कटती ना, लाल किला भी लीज पे है। देख लो भाई, रोडों का क्या फायदा है? जीटी रोड से ये फायदा हुआ जी हमारे को, जो काम हम 10 घंटे में करके आ रहे वो 2 घंटे में होने लग रहा है। अच्छा, क्या काम करके आ रहे? कोई भी काम है, खेत में पानी लगाएगा ना, खेत में पानी को लगाना, पानी पर जाने घूमने के लिए जाओगे तो फायदा तो हमारे को है ही। अच्छा, जहाँ हमारा तेल 100 रुपये लगता है 10 रुपये तेल लगा है। अच्छा, अरे जाट समाज के लोग क्यों नाराज है बीजेपी से, क्या दिक्कत? बंदू मैं क्या बताऊँ, ये एक बहकावे मारे हैं बच्चे और आखिर में जाएंगे बीजेपी पे। अच्छा, आखिरी में जाना बीजेपी, जाना बीजेपी, मोदी को, मोदी के फैन है सारे। अच्छा, अंदर से नहीं कह रहे कोई। अच्छा, नू कह नहीं रहे हैं बच्चा। अच्छा अच्छा, तो भाई ये बात है, ये उन्होंने खुल के थोड़ा बताया। अच्छा, नू कह रहे हैं कि बात में मोदी से ही वोट दोगे आप, और कोई नहीं मिलना आपने, नू कह रहे मोदी से ही वोट दोगे आप? नहीं भाई, वो कह रहे हैं तो उस तरफ भाई एक युवा भी खड़े हैं भाई साहब, सबसे बड़ा समर्थक होया करता आज ही बीजेपी के, कह रहे हैं इतने 4 दिन नून बैठ लिया है, नून के वो कान लग गया, मिनट में पलट जाए। अच्छा भाई जी, क्या माहौल नजर आ रहा है, क्या कुछ चल रहा है? कांग्रेस का भाई हट दो, कांग्रेस का। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ कांग्रेस करो। राम राम जी। राइट है, ट्रैक्टर था मकाया, देखो किसान ने करा। अच्छा, क्या लगता है जी, आपके गांव में आया हूँ मैं, हमारा गांव साफ सुथरा है, बढ़िया है? नहीं, साफ सुथरा तो है और क्या चाहिए, इसी बढ़िया गलिया पूरे किसी भी नहीं बंदी। अच्छा, बीजेपी सरकार चंडीगढ़ पर का गाँव है। अच्छा जी, और जब पूरे गाँव में घूमगा देखो। नहीं देखा हो तो मैंने घूमा चंडीगढ़ पर का, कितना बनाया बीजेपी ने बनाया? बीजेपी ने क्यों बनाया है, गाँव के हमारे बुजुर्ग बना के थे। अच्छा, गांव ना बीजेपी का खेला करे इसमें। अच्छा, और सरकारी तो करेगी ना काम है, और गांव वालों ने कर रखा है सरकार ने किधर कुछ नहीं कर रखा इस गांव में, मेरे एमएलए ने कर रखा जो कुछ कर रखा। अच्छा जी, जो आजाद एमएलए था। हाँ अच्छा अच्छा, ये बताओ चुनाव होने वाले हैं 24 तारीख को, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है कांग्रेस का? कांग्रेस का, हाँ तो भाई देखो कांग्रेस का माहौल नजर आ रहा है यहाँ पे, इतनी दूसरे ट्रैक्टर छोड़ के आए हैं विधायक, काम भी करे कुछ भी, देखो ये मना कर रहे हैं खुद, ये तो केक रखा है तो बता दो, दे बता दो, दे एक बात कसर भी कह रही है, बता दो या कसर रही है अरे काम का चौक के सारी गलियां बता के काम नहीं हो रहा, अरे पंचायत भी लुवा कर दी तो कोई बात नहीं, ये आपके काम हो रहा है तो अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, काम ना नहीं हो करया कर दे, काम का जो एक गलत आदमी है तो गलत कह आ जाएगा, और लड़ सब हो और के मोटर करेगा वो। सही बात है भाई, ताऊ कभी नहीं करा भाई, बिल्कुल नहीं करा, हम खुले उसके मुंह पे कहे हैं ताऊ की भाई बात एकदम नीटर है, ताऊ कभी डरता नहीं किसी से भी, जो जो करना सच्ची करना, कभी 5 साल है ना दुनिया लुटी है करे कुछ नहीं विधायक ने, विधायक ने। हाँ चलो भाई, विधायक जी के खिलाफ है कुछ गांव के लोग भी, लेकिन वोट विधायक की दी ना गदे हुए ना ही कदे हुए। अच्छा, अपने विधायक की नहीं वोट नहीं दी हमने? अच्छा जी, ना मनन दी फिर यहाँ से, तो धर्म सिंह छोकर विधायक उसकी दिया करो वोट, उस साल में विधायक की दी थी। अच्छा अच्छा, उसकी दी तो क्या नाम है आपका? बड़ी अच्छी बात, मेर सिंह। मेर सिंह, तो मेर सिंह ने बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई है भाई, बड़ा खुल के बोलते हैं, और ये है भाई विधायक का गांव है, जो पूर्व विधायक रहे हैं आज़ाद से, रविंद्र मछरुली। तो कैसे क्या कुछ लगा इस सर्वे में कि यहाँ इस गाँव में आना जरूरी था भाई, क्योंकि यहाँ से विधायक है? फिलहाल के लिए मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, फिलहाल गाँव के आप देख सको सुंदरता क्या कुछ है। अच्छा, गाँव साफ सुथरा है जी, बढ़िया है। हाँ जी, तो देखो गांव में मतलब भाई थोड़ी रौनक है वैसे तो, 22 फुट की गाड़े हैं, 3 गाड़ पर खुली बार जाती है, खुली बार। अच्छा अच्छा, 22 फुट की गाड़ है, 22 फुट की। हाँ, छोटी छोटी गाड़ है, छोटी गाड़ी। हाँ, चंडीगढ़ में। ये देखो भाई, चलो भाई दुनिया, चलो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में, तब तक के लिए नमस्कार, ओके।